दोस्तों 5 मिनट वैसे तो बहुत ही कम समय लगता है, लेकिन मैं आपको फैक्ट बात बता दूं कि केवल अगर आप लोग 5 मिनट अपने सीने को, अपनी चेस्ट मसल्स को सही से ट्रेन करते हैं तो आपका सीना चौड़ा बन सकता है, वो भी काफी कम समय में। आज के वीडियो में बताऊंगा कुछ ऐसी बेहतरीन एक्सरसाइजेस जो आप अपने घर पे कर पाओगे, केवल 5 मिनट अगर आप लोग समय देते हो तो धीरे धीरे आप अपने सीने को काफी ज्यादा चौड़ा बना सकते हो। देखो एक बात, जब भी हम सीने को चौड़ा करने की बात करते हैं तो केवल हम अपने एक हेड को नहीं ट्रेन करते हैं, हम अपने पूरे सीने को सही से ट्रेन करते हैं, मतलब अपनी अपर चेस्ट को, अपनी मिडिल चेस्ट को और लोअर चेस्ट को, साथ में साइड चेस्ट को भी सही से ट्रेन करते हैं। तो ये तरीका आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करनी है, और वही एक्सरसाइज आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो बिल्कुल भी टाइम को वेस्ट नहीं करते, सीधे आते हैं अपनी एक्सरसाइज पे, जो कि काफी ज्यादा इनोवेटिव एक्सरसाइज है। इसको बोलते हैं क्लॉथ पुशअप। इस एक्सरसाइज में हमें क्लॉथ्स की यानी कपड़ों की जरूरत होती है और किसी ऐसी सरफेस की जरूरत होती है जो थोड़ी सी फिसले, मतलब आपको कपड़े रखने हैं और उसको कुछ इस तरीके से परफॉर्म करना है। अगर आपकी इंबैलेंस चेस्ट है, मतलब आपके एक तरफ चेस्ट मसल्स ज्यादा है और एक तरफ कम है, तो उसमें भी ये काफी ज्यादा कारगर है। इन दोनों एक्सरसाइजेस के हमें दो दो सेट करने होते हैं और दोनों 12 रिपीटेशन के करने होते हैं। उसके बाद बात करते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की, जो कि है चेस्ट डिप्स। ये एक्सरसाइज काफी कारगर है आपकी लोअर चेस्ट को ट्रेन करने के लिए। इसमें आपको किसी दो सरफेस के बीच में अपने हाथों को रख के कुछ इस तरीके से एक्सरसाइज को करना होता है। ध्यान रखिएगा, थोड़ी सी डेंजरस एक्सरसाइज है, थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है इंजरी ना होने पाए, और इस एक्सरसाइज को करने से आपकी लोअर चेस्ट काफी तेजी से ग्रो होती है। ये एक्सरसाइज के आप लोगों को करने होते हैं 2 सेट 12 रिपीटेशन के। उसके बाद आते हैं अपनी चौथी एक्सरसाइज पे, जो कि है चेस्ट फ्लाइज। ये एक्सरसाइज काफी ज्यादा कारगर है आपकी चेस्ट को ग्रो करने के लिए। इसमें हमें क्या करना होता है, हम लोग चाहें तो डंबल ले सकते हैं, लेकिन हम लोग घर पे परफॉर्म कर रहे हैं तो हम लोग अपने हाथों में बॉटल्स को ले सकते हैं। जितनी भारी बॉटल आप लोग उठा सको वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, और एक्सरसाइज को कुछ इस तरीके से परफॉर्म करते हैं। आप लोगों को ये एक्सरसाइज करनी है, इसके आप लोगों को करने हैं 4 सेट 12 रिपीटेशन के। उसके बाद आते हैं अपनी अगली एक्सरसाइज पे, जो कि थोड़ी सी हार्ड एक्सरसाइज है, जो कि है हमारी क्लैप पुशअप और जंप पुशअप। अब देखिए, क्लैप पुशअप हम कुछ इस तरीके से परफॉर्म करते हैं, उसी का जो इजी वर्जन है वो होता है हमारा जंप पुशअप, जिसमें हम लोग केवल जंप करते हैं। जो आपको राइट साइड में एक्सरसाइज दिख रही है वो है जंप पुशअप, जिसमें हम हल्का सा जंप करते हैं, और जो लेफ्ट साइड में दिख रही है वो है क्लैप पुशअप, जिसमें हम जंप करके हल्का सा क्लैप करते हैं। तो पहले आप लोग इन दोनों एक्सरसाइज को थोड़ा सा परफॉर्म करके ट्राई करें, कोशिश करें, आपसे धीरे धीरे ये होने लगेंगी। थोड़ी सी हार्ड एक्सरसाइज है। इन एक्सरसाइजेस के हमें करने होते हैं, दोनों एक्सरसाइजेस के दो दो सेट करने होते हैं 10 रिपीटेशन के। उसके बाद आते हैं अपनी स्ट्रिक्ट एक्सरसाइज पे, जो कि सभी को करना चाहिए और काफी ज्यादा अच्छी एक्सरसाइज है अगर आप अपनी चेस्ट मसल्स को तेजी से ग्रो करना चाहते हैं। ये एक्सरसाइजेस है हमारे इनक्लाइन पुशअप और डिक्लाइन पुशअप। देखिए, इनक्लाइन पुशअप में हम लोग कुछ इस तरीके से परफॉर्म करते हैं, जो आपको लेफ्ट साइड में दिख रही है, और डिक्लाइन पुशअप हम कुछ इस तरीके से परफॉर्म करते हैं। डिक्लाइन में अपने पैरों को हम ऊंचाई पे रखते हैं और इनक्लाइन में अपने हाथों को हम ऊंचाई पे रखते हैं। ये एक्सरसाइज, ये पुशअप आप लोग जरूर किया करें, और ये डेली कर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। काफी अच्छी एक्सरसाइजेस हैं। इन एक्सरसाइजेस को करने से आपकी चेस्ट मसल्स काफी तेजी से ग्रो हो जाती है। आप लोग मेरे से ये पूछते हो कि क्या हम रोज कर सकते हैं। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया है, अगर आप नॉर्मल अपनी बॉडी को फिट रखना चाहते हैं तो आप अपनी ओवरऑल बॉडी को रोज ट्रेन कर सकते हो, बस संडे का गैप एक दिन का दे सकते हो। और अगर आप लोग कॉम्पिटिशन के हिसाब से तैयारी कर रहे हो तो आपको रोज नहीं ट्रेन करना चाहिए एक मसल को, ये आपके लिए अच्छा नहीं होता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आप लोग इस तरह की एक्सरसाइज करके घर पे ही अपने चेस्ट मसल्स को ग्रो कर सकते हैं। अच्छा लगा हो वीडियो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।